हिन्दी दिवसको अवसर पारेर नेहरू युवा केन्द्रले मंगलबार दार्जीलिङको एचएमआईमा एक वर्कसपको आयोजना गर्यो। नेहरू युवा केन्द्रले प्रत्येक वर्षको 14 सेप्टेम्बरदेखि 29 सेप्टेम्बर हिन्दी दिवस पालन गर्ने गर्छ। त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत मंगलबार वर्कसपको आयोजना गरिएको हो। नमस्कार, म राजीव मजुमदार, राज्य निदेशक नेहरू युवा केन्द्र संगठन पश्चिम बंगाल और कान्दामान दीपसिंह। अच्छा, जो ये आप लोग ये हिंदी दिवस पालन कर रहे हैं, ये कब से कर रहे हैं? ये हर साल हम लोग 14 सितंबर से 29 सितंबर तक हम हिंदी राजभाषा पखवाड़ा पालन करते हैं। कहाँ कहाँ से आदमी लोग आए? हम यहाँ पर आज हम जो कर्मशाला किया है पखवाड़ा का और राजभाषा का, यहाँ पर एशिया में के तरफ से सारे जो अधिकारी है वो लोग है, और पश्चिम बंगाल के कोने कोने से हर 32 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारा नॉन निर्णय के लेके अलीपुरद्वार, कुचबिहार, जलपाईगुड़ी, कोलकाता सॉरी डायमंड हार्बर, बाड़ाईपुर, सभी जगह सभी जिला से सारे ऑफिसर्स और जो डिप्टी डायरेक्टर उनका जो अकाउंटेंट है सारे स्टाफ यहाँ। हिंदी दिवस तो 14 तारीख से शुरू होता है ना, तो आप लोग कितने दिन मनाते हो? हम 14 से 29 सितंबर तक मनाता हूँ। 14 तारीख मैं हिंदी दिवस का हिसाब से मनाता हूँ हम लोग राजभाषा, और 15 से 29 तक ये पखवाड़ा चलता है हमारा। इसमें जैसे आज बहुत सारे क्लास हुआ है, इसके बाद हम करेंगे थोड़ा क्विज कंटेस्ट करेंगे, स्टोरी राइटिंग होगा, डिफरेंट टाइप का एक्टिविटी यहाँ पर। किस टाइप का क्लास होगा? अभी क्लास हुआ है हिंदी राजभाषा हमारा क्यों ज़रूरत है, हम क्यों हिंदी को इतना प्राधान्य देते हैं, और क्षेत्र है हमारा क्षेत्र में क्या क्या चाहिए, जरूरत क्या है, इस विषय में हम लोग यहाँ पर जानकारी मिला है। हिंदी जो अधिकारी है वो आके बताया, गृह मंत्रालय का तरफ से भी था, और जो जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारा क्षेत्र के लिए, जैसे बाइलैंग्वल स्टैम्प करना है, लिटरेट पैड करना है, कामकाज में हिंदी में जो चिट्ठी आता है हिंदी में उसका उत्तर देना, इस विषय में हुआ है। अभी जो होगा हिंदी में कुछ कॉन्टेस्ट होगा, वो छोटा छोटा स्टोरी लिखने के लिए बोला जाएगा, इसके ऊपर एक प्रतियोगिता भी होगा। दिस टाइप ऑफ हिंदी प्रोग्राम फर्स्ट टाइम इन दार्जिलिंग? नहीं, दार्जिलिंग में हर साल जब पार्लियामेंट्री कमेटी आता है, हिंदी राजभाषा कमेटी होता है, तब दार्जिलिंग को ही वो लोग चुनता है करने के लिए। तो मैंने वो आगे जो पार्लियामेंट्री कमेटी अगर फिर से इस बार होगा तो इससे पहले मैं ये वर्कशॉप करके एक हम सबको रेडी रख रहे हैं क्योंकि आगे के लिए इसका बेनिफिट मिले। तो एवरी ईयर आप लोग एचएमआई भी करते हैं? एवरी ईयर नहीं करते हैं, एचएमआई में नहीं करते हैं, हम लोग घूम घूम के करते हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, इस बार एचएमआई में किया। और आज हमारा इसमें आमंत्रित था हमारा यहाँ का जो माननीय सांसद महोदय राजू बिस्ट महोदय और एमएलए साहब, वो भी इन्वाइटेड था, लेकिन उसका पर्सनल काम का अभी रोजगार मेला भी चल रहा है, वहाँ पर हम लोग बिजी हो गए। और कहाँ कहाँ से पार्टिसिपेट किया था आज? आज यहाँ पर पश्चिम बंगाल का हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आया। तो ये ऑर्गेनाइज कौन करता है? ऑर्गेनाइज हम लोग ही कर रहे हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत सरकार का खेल और युवा विषय जो मंत्रालय है उसके अधीन नेहरू युवा केंद्र संगठन पश्चिम बंगाल की तरफ से, राज्य ऑफिस पश्चिम बंगाल की तरफ से ये आयोजन। एक साल में एक ही बार करते हैं या बीच में भी आप लोग? नहीं, हम लोग राउंड द ईयर हिंदी का कर्मशाला करते हैं, हिंदी का रिपोर्टिंग होता है, लेकिन राजभाषा ये जो 14 सितंबर क्योंकि 1949 में 14 सितंबर राजभाषा हिंदी को अपनाया देश में, तो उसी देश को शरण करने के लिए, सम्मान करने के लिए हर साल केंद्रीय सरकारी हर ऑफिस 14 तारीख 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाता है और 14 से 29 सितंबर तक पखवाड़ा करता है। इनमें से आज हम लोग एचएमए का आगे से चौरस्ता वहाँ से एक रैली समारोह निकला, हमारा सारे प्रतिभागी और जो एचएमए का सारे हम लोग डिफरेंट टाइप का बैनर हिंदी हर दिवस हिंदी दिवस ऐसा डिफरेंट टाइप का प्लाकार्ड लगा के हम लोग एक रैली किया, उसके बाद यहाँ आके सम्मिलित हुआ है, उसके बाद यहाँ का जो विशेषज्ञ जो भी है हिंदी का वो लोग अपना वक्तव्य रखा है, हिंदी की जरूरत है इसके विषय में, हमारा पीपीटी भी देखा है, देखिए यहाँ पीपीटी क्लास भी हुआ, अभी से लॉन्च ब्रेक है, इसके बाद फिर हिंदी तो हमारा मातृभाषा है, ये नेशनल लैंग्वेज है ये, मगर अभी प्रायोरिटी सिर्फ इंग्लिश को ज़्यादा दे रहे हैं जहाँ पे भी, तो इनको बचाने के लिए किस टाइप का आप लोग? इसलिए हिंदी को हम लोग चाहते हैं कि देखिए जो फूल जो भाषा जो भी
जो एक माला का तरफ सबको काटता है, जैसे फूलों का माला होता है, एक एक करके फूल लेके एक हम माला काटता है, भगवान का चरण में चढ़ाता है। ऐसे हिंदी ऐसा है जो हर व्यक्ति को जोड़ सकता है, क्योंकि हिंदी, जो हिंदी बोलता है वो भी हिंदी बोलता है, जो ओडिया है वो भी हिंदी बोलता है, बंगाली जो वो भी हिंदी बोलता है, नेपाली जो वो भी हिंदी बोलता है, तो हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज हो गया है। इसलिए राजभाषा का हिसाब से हिंदी को अपना के लिए, क्योंकि हम लोग उसको अपन कर लेंगे, इसीलिए इसी ऊपर कामकाज उसको उत्साहित करने के लिए ये कंटिन्यू। दुबई को निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 पास, मेल हाइट 5.7 इंचेस, फीमेल हाइट 5.3 इंचेस हुनु पर्ने छ। एज 21 वर्ष देखि 39 वर्ष सम्मकाहरूले आवेदन गर्न सक्नुहुनेछ। फ्री एकोमोडेशन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट इन्सुरेन्स को साथमा सैलरी 51,000 भारतीय रुपया। इंटरव्यू 29 सेप्टेम्बर 2023 शुक्रवार। फ्यूचर विजन कंसल्टेंसी नियर इस्कन मंदिर सिलगढ़ीमा। कांटेक्ट 9800866855। दार्जिलिङको दशैं पूजा शपिङ फेस्टिभल नेशनल एक्सपो 2023 15 सेप्टेम्बरदेखि 23 अक्टोबरसम्म स्थान क्यापिटल हल, भारतभरिकै विभिन्न ठाउँहरूबाट 500 भन्दा बढी प्रडक्टहरू, जस्तै हाउसहोल्ड गुड्स, ह्यान्डिक्राफ्ट, होम एप्लायन्सेस, किचनवेयर जस्ता सामानहरू, त्यो पनि डबल धमाका अफरको साथमा 20% अफ अन सेल, 20% अफ अन ओल्ड फर्निचर एक्सचेन्ज, वर्ल्ड क्लास इम्पोर्टेड फर्निचर पनि पाउनुहुनेछ। मेगा एक्सचेन्ज अफरको साथमा स्पेशल एट्रेक्सन अफगानिस्तानी ड्राई फ्रुट्स, समय बिहान 10:30 बजेदेखि 8:30 बजेसम्म।